एलएनजी के दामों में भी इजाफा हो गया है। रिपोर्ट देखिए। कुछ दिनों की राहत के बाद महंगाई ने फिर से दस्तक दे दी है। बेशक 8 दिनों से पेट्रोल के दाम स्थिर हों, लेकिन आज गैस के दामों में बढ़ोतरी होने से आम आदमी पर महंगाई का बोझ बढ़ गया है। आईजीएल ने जहां सीएनजी के दामों में 2.50 रुपए की बढ़ोतरी कर दी, तो वहीं पीएनजी की कीमत में भी 4.25 रुपए का इजाफा कर दिया है। मार्च के बाद से कुल 15 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी सीएनजी की कीमतों में हो चुकी है। गुरुग्राम में 79.94 रुपए प्रति किलो, रेवाड़ी में 82.07 रुपए प्रति किलो, तो वहीं करनाल और कैथल में 80.27 रुपए के हिसाब से सीएनजी बिक रही है। पीएनजी की कीमत में प्रति एससीएम 4.25 रुपए का इजाफा होने के बाद करनाल और रेवाड़ी में इसकी कीमत 44.67 रुपए, जबकि गुरुग्राम में 44.06 रुपए प्रति एससीएम तक पहुंच गई है। महंगाई का आलम यह है कि नींबू के नखरे भी बढ़ गए हैं। जीएफएक्सी, बढ़ती महंगाई, चढ़ते दाम, एक नींबू 15 रुपए में मिल रहा है। नींबू के दाम 300 रुपए किलो तक जा पहुंचे हैं। कमर्शियल सिलेंडर 250 रुपए महंगा। टोल टैक्स 10 से 15% बढ़ा। 800 दवाओं के दाम बढ़े। आटा 5 रुपए महंगा। दूध के दाम 2 से 4 रुपए तक बढ़े। घी 45 रुपए महंगा। खाद्य तेल 15 रुपए महंगा। एक रिपोर्ट के अनुसार घरेलू मार्केट में करेंसीज की परचेजिंग पावर की बात करें तो वर्तमान में भारत में प्रति लीटर एलपीजी की कीमत दुनिया में सबसे ज्यादा है। इसके साथ ही पेट्रोल के मामले में भारत तीसरे पायदान पर है और डीजल पर महंगाई के मामले में देश का स्थान 8वां है। हालांकि सरकार कह रही है कि रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध का असर भारत में साफ दिखाई दे रहा है। पेट्रोल डीजल हो, खाने पीने का सामान हो या फिर एलपीजी, सभी के दामों में इजाफे ने आम आदमी के बोझ को बढ़ा दिया है। जानकारों की माने तो उनका कहना है कि चुनावों के समय दाम न बढ़ने से तेल कंपनियों को करीब 19,000 करोड़ का नुकसान झेलना पड़ा और इसलिए इसकी भरपाई के लिए अभी 24 दिन तक दाम और बढ़ सकते हैं, यानी अभी आने वाले दिनों में आपको राहत मिलेगी, इसकी उम्मीद कम ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर।